दोस्तों आज हम लेकर आए हैं एक और बेहतरीन जानकारी। आखिर आम पापड़ की मेकिंग कैसे की जाती है? आम को फलों का राजा कहा जाता है और आम खाना सबको पसंद आता है। और आज हम इस वीडियो में देखते हैं आम से बना आम पापड़ जो आप साल भर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं और ऑफ सीजन में भी आम का आनंद ले सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस न हो जाए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिले सबसे पहले। सबसे पहले आम को इकट्ठा किया जाता है, फिर आमों में से अच्छे आमों को अलग किया जाता है। जो आम पापड़ बनाने के लायक है उन आमों को कर्मचारी एक बर्तन में अलग छांट लेते हैं और इन आमों को कर्मचारी इन महिला कर्मचारियों के आगे लाकर डाल देता है। अब ये महिला कर्मचारी धारदार छुरी से इनके छिलकों पर कट लगाती है और ऊपर नीचे के छिलके काट देती है और कट लगाने के बाद इन आमों को अलग कर दिया जाता है। अब दो महिला कर्मचारी इन अलग किए हुए आमों के छिलकों को उतारती है और इन आमों को एक अलग बर्तन में डाल दिया जाता है। अब सबसे पहले एक कर्मचारी इन आमों के छिलकों को उठाकर इस मशीन में डाल देता है और ऊपर बैठा कर्मचारी इन छिलकों को हाथ की मदद से आगे की तरफ धकेल देता है। इस मशीन के अंदर आम के छिलके डालने के बाद आम के छिलके और आम का रस दोनों ही अलग हो जाते हैं। छिलके एक तरफ से बाहर आते हैं और दूसरी तरफ से आम का रस बाहर निकलता है और इस बड़े सारे बर्तन में ये रस इकट्ठा होता जाता है। इस मशीन द्वारा आम के छिलकों का पूरा रस निकाल दिया जाता है। अब बारी आती है छिलके उतारे हुए आम की, तो एक कर्मचारी एक बर्तन में छिलके उतारे हुए आमों को ले लेता है और इसे मशीन में इन आमों को डाल देता है। इस मशीन के साथ ये सिम प्रोसेसर किया जाता है। इसमें आम का रस एक तरफ निकल जाता है और दूसरी तरफ आम की गुठली बाहर आ जाती है और ये रस एक बड़े से बर्तन में इकट्ठा कर लिया जाता है। आम का रस इकट्ठा कर लेने के बाद अब एक कर्मचारी रस को एक बाल्टी के द्वारा दूसरे बर्तन में डालता है और अब इस रस को एक बड़े से बर्तन में डाल दिया जाता है। और अब एक महिला कर्मचारी इस आम के रस में चीनी मिलाने का काम करती है। इस आम के रस की मात्रा के हिसाब से चीनी डाल दी जाती है और उसे हाथों की मदद से मिला दिया जाता है। चीनी मिलाने के बाद इसे कुछ देर के लिए छोड़ दिया जाता है। फिर इस आम के रस को बाल्टियों से भरा जाता है और इन महिला कर्मचारियों द्वारा इन्हें लास्ट में धूप में सुखाने के लिए ले जाया जाता है। अब ये महिला कर्मचारी इस रस को बांस से बने इन चांगों पर हाथों की मदद से फैला देती है और 5 से 7 घंटे सूखने के बाद अब इन आम के पापड़ को काट कर स्टोर करके रख लिया जाता है और फिर इन्हें मार्केट में सेल करने के लिए भेज दिया जाता है। तो कैसा लगा आपको आम पापड़ बनाने का ये प्रोसेस, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं जल्दी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।